बाणी सुनी थी, पर अब जो समझ आई है, जो बुद्धि में हमारे दिमाग में जो उनकी समझ आई है, वो समझ शायद सभी यहाँ पर आए हैं, उन सबको बुद्धि खुली है, समझ उसकी बड़ी है हमारी उन बाणी के प्रति। मैं ददीची देदान समिति से आई हूँ, गुरु नानक देव जी की उसी बाणी में से जो उनकी बाणी है उसी को आगे कहते हुए कहती हूँ कि गुरु नानक जी ने आज से 500 साल पहले ही हमें अपनी बाणी में कह दिया था कि पशु मरे दस कार सवारे पर मनुख मरे कुछ काम ना आवे। उस समय उन्होंने एक संदेशा दे दिया था जो कि लोगों ने उसको ध्यान ही नहीं दिया, उस बाणी को भूल ही गए हैं, पर उस हम जब जाते हैं जीते जी इतनी समझ के साथ गुरु नानक जी की बाणी की उस शिक्षाओं को अपनाते हुए जीवन जीते हैं, पर उसके बाद जब हम जाएं तो उस अपने शरीर से और काज सवारे औरों के काम आ सके। हमारा शरीर जाने के बाद ये कर्मों का लेखा जीते जी हम कर ही रहे हैं, निभा रहे हैं, पर उसके बाद हम अब और लोगों को जीवन दें, उन हमारी आंखें जो 2 से 5 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोगों के काम आ सकती हैं, हमारा शरीर हमारे अंग औरों को जीवन दे सकते हैं। हम एक शरीर द्वारा 8 लोगों को जीवन मिलता है, हमारी बॉडी हमारा शरीर जिसे कि हम जाने के बाद एक अच्छा डॉक्टर बनने के काम आता है, और तो और इस बॉडी पे रिसर्च करके हम ऐसी ऐसी बीमारियों से जो मुक्ति आज हमारे देश में इतनी बीमारियां लोगों को पड़ी है, लोग कहते हैं अगर कहीं रिसर्च हो पाती ऐसी हमें ऐसा शरीर मिलता है कि आने वालों को उस बीमारियों से आज़ादी मिल सके, तो हमारे शरीर उस रिसर्च उस के काम आ सकता है। एक अच्छा डॉक्टर तो सभी चाहते हैं कि हमारा इलाज अच्छे डॉक्टर से हो, पर वो डॉक्टर बनेगा कैसे, उसके लिए हमें एक बॉडी चाहिए जिस पर स्टडी हो सकती है। इस समय हमारे देश में हालत ऐसी है कि जहाँ पर एक बॉडी के ऊपर 5 से 10 स्टूडेंट को काम करना चाहिए, वहाँ पर 50-60 स्टूडेंट काम करते हैं, तो उस पर उन्हें अच्छी तरह से सोच समझ नहीं आ पाती। इस ओर जरूर ध्यान दें, कहते हैं कि नानक जी की वाणी ने जितनी समझ मुझे दिया उसके हिसाब से हम जीते जी इस काम में लगे हुए हैं, पर हम माने जाने के बाद हमारी बुद्धि और हमारी समर्थ जो है वो इस काम आए कि हम लोगों के इस समाज के काम आ सकें और उन कर्मों के लेखे को आगे बढ़ा सकें। यही मेरी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारी संस्था जो है कहने को 20 साल पुरानी संस्था है, पर अब पिछले 7-8 सालों से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। अभी पीछे थोड़े दिन पहले ही हमें राष्ट्रीय पूरे देश भर की संस्थाओं में बेस्ट एनजीओ का अवार्ड मिला है। ये गौरव की बात है कि हमारी संस्था सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही बॉडी आई डोनेशन का काम करवाती है और इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं है, और ये सिर्फ एक ब्रिज की तरह है कि हम लोग आप लोगों को सिर्फ एक फ़ोन करना होता है, उस फ़ोन के द्वारा हमारे बाकी सारा काम संस्था खुद संभालती है और एक विश्वसनीय संस्था के रूप में आगे आई है। नोटो जो एक ऑर्गन डोनेशन संस्था है उसकी तरफ से भी सम्मानित की गई है राष्ट्रपति जी द्वारा, उपराष्ट्रपति जी द्वारा इस संस्था को, इसके कामों को काफ़ी इसकी प्रशंसा की जा रही है और आगे कर रही है। आप सभी का ही साथ रहता है, समाज के अच्छे लोगों ने जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ जो निष्काम कर्म करते हैं, सभी यहाँ पर वॉलंटरी काम करते हैं, तो आप सब जरूर इस समझ को इस बुद्धि को अपने विचारों को अपने साथ लेकर जाएं। मैं कहती हूँ यहाँ आना, आज के टाइम पे जो गुरु नानक जी की वाणी में जो समझ दी है, जो बाबा जी ने हमें इतना मार्ग दिखाया है रास्ता समझ दिया है, उस समझ को अपनाए जीवन में। पढ़ा सुना तो आपने बहुत होगा, मैंने भी सुना तो बहुत था, पढ़ा शायद नहीं होगा, पर आज समझ के साथ सुना है तो वो समझ को अपने साथ जरूर लेकर जाएं और उस पर विचार जरूर करें। धन्यवाद। वाहेगुरु जी की।